यहाँ बात है, वेलकम करते हैं हम भी उसको। लड़ाई तो लड़ेगा मेरे के साथ ना, है कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे हेमराज मुर्मू को नहीं जानता? सबसे पहले तो वो कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट होने के बाद फिर उधर नहीं चला तो पार में झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया। झारखंड मुक्ति में आने के बाद वहाँ से टिकट बरहेट से उसको टिकट मिला, MLA बना। MLA बनने के बाद फिर वो मंत्री MP भी बना, MP बनने के बाद मंत्री भी बना, फिर क्या रास नहीं आया, फिर BJP में चला गया। तो ये सब आदमी को कोई ठिकाना है यार, कोई भरोसा है, कोई पेंदा का लोटा है क्या? ये बीट पेंदा वाला कब लुढ़केगा? हो सकता है अभी आया है तो फिर कल कहाँ चला जाएगा, किस पार्टी में जाएगा, कि फिर हमारा पुराना घर कम्युनिस्ट में जाएगा? कहाँ का इन लोग का कोई ठिकाना है? इसका हिसाब किताब तो जनता जनता जनार्दन है ना, आए हुए हैं और रहेंगे भी। और अगर इसको वहाँ लाया है तो हम लड़ेंगे टिकट दे। कभी कभी अभी सुनने माता के आप एक अलग मोर्चा की तैयारी में लगे हुए हैं। सुनिए ना, हम इस बात सुनिए बोलेगा, कल हम परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं 30 जून जो भोगनाडी में सिद्धू कान्हू का जन्मस्थली है, 30 जून को वहाँ पर हम एक राजनीतिक ब्लास्ट होगा, राजनीतिक विस्फोट होगा, क्या होगा आप लोग सुनेंगे।